तो तूने टाइगर 3 देखी? हाँ देखी भाई। कैसी है? एकदम डिजास्टर। तेरे को ऐसा कैसा महसूस हुआ? डिजास्टर है वो, क्योंकि कहानी नहीं दी डायरेक्टर ने, कहानी देना भूल गए इस मूवी के अंदर। तो हम भी आगे बताना भूल देंगे नहीं, आपको जरूर बताएंगे, बस आपको कुछ नहीं करना। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट करें तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट, और कोई ना चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और पास में है ना, ज्यादा से ज्यादा पटाखे की आवाज आ रही है क्योंकि दीपावली है सबसे पहले, तो हैप्पी दीपावली। और आप सभी को कहना चाहते हैं इस चैनल पर आपको फनी रिव्यूज देखने को मिलते हैं, तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फाइनली टाइगर 3 जो कि रिलीज हो चुकी थी कल, और इसका जो कि पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यू आ रही है, कुछ लोगों को ये मूवी पसंद आ रही है, कुछ को नहीं पसंद आ रही। तो गाइज इस मूवी में स्टोरी देना भूल गया डायरेक्टर मनीष शर्मा, और ये कितने यार बढ़िया थी वहाँ पे रिलीज हुई थी दीपावली पे, उसके बाद भी स्लो डाउन चल रही है मूवी। और किसी का भाई किसी की जान बाद लेकर आ रही है अपने सलमान भाई टाइगर 3, जो कि इतनी भयंकर मूवी, कितना क्रेज था इस मूवी का, उसके बावजूद इस मूवी को लोग अच्छी नहीं बता रहे। नहीं बता रहे, ऐसा लग रहा है कि पठान से उठ के डायरेक्ट यहाँ आ गए सलमान खान, कुछ अलग लाते यार, मजा आता तब। लेकिन पठान की बात करें, पठान एक अपने आप में एक सॉलिड मूवी है, और ये उसकी बराबरी, मतलब उसके कलर्स और कैमियो वगैरह वो लग तो रहे, लेकिन पठान की बराबरी टाइगर 3 नहीं कर सकती, क्योंकि टाइगर 3 में जो कि विलन लिया है इमरान हाशमी सर को, उनका भी कोई ढंग का रोल नहीं है, विलन वो लग नहीं रही, उनको तो बस होट किस करना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं करना आता है। और इसके अलावा यार जो कि हमारे पठान साहब भी नजर आए, यानी शाहरुख खान सर का केमियो है इसमें, बहुत ही भयंकर केमियो है भाई। ऋतिक रोशन को तो ऐसे लाए जैसे ब्रांड में झूमने के लिए लाया यार, थोड़ा ढंग का काम कर रहा था यार। हम दोनों ने तो पहले रिव्यू कर दिया था कि मूवी फ्लॉप के कगार पे है, और क्या पता सलमान खान की यार थोड़ी पॉपुलरिटी है। तो मूवी का बजट कितना पहले तो बता, मूवी का बजट लमसम नहीं पता, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये मूवी फ्लॉप होने वाली है, पक्का हो जाएगी। आपकी राय से क्या है? और बताएं इसमें जो कि केमियो दिया है ऋतिक सर का, जो कि लास्ट में फिल्म डी एंड हो जाती है उसके बाद आता है ऋतिक सर ऐसे अपने टोपला वगैरह पहन के, तो गाइस कचरा बना दिया है मनीष शर्मा सर ने, पूरा एक्शन पे फोकस दे दिया इस मूवी की। वो तो ये बात हो गई, बरात आ गई और खा के चले गए, लास्ट में भी ना था कि मेरे को जिमा, अरे बरात तो पहले आके खा गई तो कहाँ आया भी। वही बात हुई इस मूवी के कारण, जो कि वॉर 2 का भी थोड़ा बहुत झलक दिखाई इसमें, जो कि वॉर 2 का टीजर दिखाया लास्ट में, जो कि ऋतिक सर का केमियो। मैं पहले बता दे रही हूं वॉर 2 को हल्के में मत लेना, क्योंकि उसमें RRR के जूनियर NTR है, वो साउथ के एक्टर है इसमें, जो कि और ही दमदार मूवी आएगी वो। तो स्पाई यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट मूवी पठान के बाद यही आने वाली है वॉर 2, देख लेना। लेकिन गाइस टाइगर 3 को पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं, और शायद ये मूवी नहीं चलने वाली ऐसा ही लग रहा है। पहले दिन इसने कितने करोड़ की कमाई की थी? पहले दिन इंडिया के अंदर 21 करोड़ की ओपनिंग ली है इस मूवी ने, वर्ल्ड वाइड 40 करोड़ की। बोलो कहां SRS के 100 प्लस कर रहे हैं, और कहां इनको 50 ही नहीं दे रहे कोई यार। खान वर्सेस खान होना चाहिए था दीपावली के शुभ अवसर, बट नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं भाई। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपने टाइगर 3 देखी तो आपको कैसी लगी, AK JK दोनों को कमेंट में बताना जरूर। तो बस यही अपडेट देने वाले थे कि टाइगर 3 लाइव इज द एक लाइन में रिव्यू करो तो बिलो एवरेज स्लो डाउन हो चुकी है। तो गाइस यही बस ये अपडेट देने वाले थे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलते थे आप सभी को कहना चाहते हैं अगर टाइगर 3 आपने नहीं देखी तो देख के आइए, और हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, आज जय माता दी। चलते चलते आप सभी को कहना चाहते हैं राम राम।